सत्तारूढ़ पार्टी के पार्षदों ने अपने पद का दुरुपयोग करके अंसल वैली सचिव के घर तोड़फोड़ कर उनके परिवार के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद से ही सचिव लगातार शासन प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन प्रशासन पार्षदों के खिलाफ एक्शन लेना तो दूर, उनकी शिकायत तक सुनने को तैयार नहीं है। अब सचिव ने उनके साथ मारपीट करने वाले एक पार्षद और पूर्व सचिव पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। अंसल वैली के पीड़ित सचिव प्रवीण भारद्वाज ने बीजेपी पार्षद संजय नौटियाल पर फर्जी तरीके से कॉलेज में प्रवेश का आरोप लगाया है। सचिव प्रवीण भारद्वाज के अनुसार कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और पार्षद चुनाव के समय इस बात को दबाया गया। सचिव प्रवीण भारद्वाज ने ऐसा ही आरोप अंसल वैली के रहने वाले पूर्व सचिव ओम प्रकाश पर लगाया। प्रवीण भारद्वाज के अनुसार पूर्व सचिव ने पार्क की भूमि पर गैर कानूनी रूप से कब्जा किया था, जिसकी शिकायत एमडीडीए में रहने के पश्चात विभाग द्वारा कब्जे के ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए, लेकिन ऊपरी दबाव के चलते अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बस्ती वालों ने हमला नहीं किया था मेरे घर पे, मेरे घर पे हमला करा था पार्षद संजय नोटियाल ने और उसके साथ 6 पार्षद और 5 पार्षद और थे। पूनम नोटियाल भी था जो मंडलपुर मंडल अध्यक्ष है, सिकंदर था वो था। बाकी इन लोगों ने जब ये इन लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए तो इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी सुना था कि इन लोगों ने जब बोला था कि बस्ती वालों ने हमला कराया, लेकिन यहाँ के बस्ती के कोई लोग इस हमले में शामिल नहीं थे। जो लोग थे वो संजय नोटियाल के जानकार लोग थे, संजय नोटियाल का परिवार के लोग थे, संजय नोटियाल की बहन मीना नोटियाल, उसकी माँ भुवना देवी। अब अच्छा मिल रहा है और मेरे को न्याय चाहिए, इसलिए मैं अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए रोड पे घूम रहा हूँ, जल्दी न्याय मिलने की उम्मीद भी है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।